सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। देखिए एक खास रिपोर्ट। मौलाना सज्जाद मेमोरियल अस्पताल इमारत शरिया की जानिब से मदरसा अजमतिया अंसार नगर नवादा में रुकन शूरा इमारत शरिया हजरत कारी शोएब अहमद साहब नाजिब मदरसा अजमतिया नवादा की निगरानी में मुफ्त हेल्थ जाँच कैंप लगाया गया। इस मौके से नौजवान आलिम दीन मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन मजाहिरी ने कहा कि हम हजरत अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी मद्दजिल्लहु के शुक्रगुजार हैं। साथ ही नायब अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद शमशाद रहमानी कासमी, कायम मकाम नाजिम जनाब मौलाना मोहम्मद शिबली अल कासमी और मौलाना सज्जाद मेमोरियल अस्पताल के सेक्रेटरी मौलाना सुहैल अहमद नदवी व जुमला डॉक्टर हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि नवादा के बाशिंदगान की खिदमत के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप लगाने का फैसला किया और माहिरे अमराज डॉक्टर हजरात शरीक हुए। कैंप के कामयाब इनकाद करने में कारी शोएब अहमद, कारी मकसूद अहमद, कारी शौकत, कारी शहादत मौलवी तारिक, कारी जियाउद्दीन मौलाना निजामुद्दीन मजाहिरी, कारी इस्लामुल हक बरकतुल्लाह एडवोकेट जहांगीर आलम, मौलाना अबुल आस, मौलाना तलहा, मौलाना मिन्नतुल्ला, मौलाना मुअज्जम अली, फसी अहमद, सरफराज आलम वगैरह के नाम काबिले जिक्र हैं। अल्लाह ताला इन लोगों की मेहनत को कबूल करे। हेल्थ कैंप में 1300 से ज्यादा मरीजों ने इस्तेफादा हासिल किया। देखिए यह वीडियो। आज अल्हम्दुलिल्लाह इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना की जानिब से एक बड़ा काम हुआ इंसानियत की खिदमत का। हम शुक्रगुजार हैं इमारत शरिया के अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहु और नायब अमीर शरीयत हजरत मौलाना मोहम्मद शमशाद रहमानी कासमी दामत बरकातुहु और कायम मकाम नाजिब जनाब मौलाना मोहम्मद शिवली अल कासमी साहब और मौलाना सज्जाद मेमोरियल अस्पताल के सेक्रेटरी जनाब मौलाना सुहैल अहमद नदवी साहब और जाने वाले तमाम डॉक्टर हजरात का कि उन्होंने नवादा ज़िला का चॉइस किया और यहाँ के इंसानों की खिदमत के लिए वक्त को निकाला। अल्लाह ताला इसका बेहतर बदला इनायत फरमाए। आपने दिखा आज अल्हम्दुलिल्लाह नवादा ज़िला के कसीर खवातीन और कसीर मर्द हजरात डॉक्टर हजरात से इस्तेफादा किया। तकरीबन 1300 से ज़ायद अफराद ने यहाँ पर तशरीफ़ लाए और डॉक्टरों से अपना जांच कराया, हेल्थ जांच भी हुआ। हमारे मकामी जो हेल्थ सेंटर है दो अंसार नगर में, अंसारुल इस्लाम साहब हैं और उसके अफरोज भाई हैं, ये सब माशाल्लाह बेलौस खिदमत अंजाम दी है। वसीम भाई है और हमारे मदरसा अजमतिया अंसार नगर नवादा के नाजिम जनाब मौलाना मोहम्मद शोएब अहमद कासमी साहब और जनाब मौलाना निज़ामुद्दीन मजाहिरी साहब, जनाब कारी मकसूद अहमद नौमानी साहब, जनाब कारी शौकत साहब, जनाब कारी शहादत साहब, जनाब मौलवी तारिक अनवर साहब, जनाब काजी जियाउद्दीन साहब और हमारे मदरसा अजमतिया के दीगर असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जद्दोजहद किया। और नौजवान आलिमों में जनाब मौलाना अबुलास साहब, मौलाना मिन्नतुल्ला साहब, मौलाना अबूतला साहब, हाफिज़ फसी साहब और हमारे हाजी ज़ुल्फ़क़ार साहब और कमरुज़्ज़मा साहब व दीगर जहांगीर भाई वगैरह ने बड़ी खिदमत अंजाम दी। हम सब इन हजरात के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इसमें बड़ा काम किया। और आपने सुबह से शाम तक मंजर देखा, कितने बेहतरीन मंजर में सुकून के साथ सारे काम अंजाम पाए। सिर्फ मरीजों का जांच ही नहीं हुआ बल्कि हर मरीज को दवाएं भी दी गई और मुख्तलिफ मर्जों की दवाएं दी गई, नस दिमाग जनरल फिजिशियन और गोनोलॉजिस्ट, दांत के ताल्लुक से तीन तीन डॉक्टर थे, आंख नाक कान के डॉक्टर थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ के लोगों ने ज़रूरत महसूस की कि ये निज़ाम बार बार होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इमारत शरिया इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है और मौलाना सज्जाद मेमोरियल अस्पताल की जानिब मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों नौजवान साथियों, आज मैं दारुल कुरान मदरसा अजमतिया अंसार नगर नवादा बिहार में आया हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये जम्मे गफीर देखकर बड़ी खुशी हो रही है।
और तमाम आलम इस्लाम के लोगों को यही मैसेज देना है कि इंसानियत की बुनियाद पर आप हर शख्स की मदद करें, किसी भी एतबार से भी हो, वक्त के एतबार से, माल के एतबार से। हम अपने डॉक्टर हजरात के शुक्रगुजार हैं जो इसके जिम्मेदार हजरात हैं, मौलाना नसीरुद्दीन साहब, मुआज़ियाउद्दीन साहब, कारी शुएब साहब, कारी मखदूम साहब, दीगर जितने असातिज़ा हैं और जितने वर्कर हैं नौजवान, तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है। आप हजरात भी इससे दिलचस्पी लें और अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में जाकर ये हेल्थ सेंटर लगाएं। बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं, जो आप नज़ारा देखेंगे तो आपको महसूस होगा यहाँ मुफ्त चेकअप भी किया जा रहा है और दवाएँ भी फ्री दी जा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आँख का चेकअप भी है और पूरे बॉडी का चेकअप है और इसके बाद खून का चेकअप है, तमाम चीज़ों की चेकअप भी ले रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इमारत शरिया जो आज के दौर में हिंदुस्तान का प्लेटफार्म बन चुका है और मुफ्त दवा भी दे रही है, आप हजरात भी इससे दिलचस्पी लें और अपने एतबार से काम करें, थोड़ा सा नज़ारा दिखा दिया जाए। आप आगे आते, आप आगे रहिए। डॉक्टरों की टीम यहाँ बैठी है। ये थोड़ा आप आगे रहिए ना, पेन 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 कलम कलम जनरल फिजिशियन यहाँ है। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।